हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर मोबाइल नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में, एकदम फालतू ट्रिक्स, एकदम अमेजिंग ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्हाट्सएप स्टेटस ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस को ओपन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या है, थ्री डॉट पे ऊपर कॉर्नर पे क्लिक करना है। उसके बाद में स्टेटस प्राइवेसी पे क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप माय कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक है, तो आप जो भी स्टेटस डालिएगा तो जो आपके मोबाइल में जितने भी सारे कॉन्टेक्ट्स हैं वो सभी आपका स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में सेकेंड नंबर है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, आप इस पर क्लिक कर देते हैं और जिस जिस पे टिक लगा देते हैं वो आपका क्या करेंगे, वो आपका स्टेटस नहीं देख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। जिस पर टिक रहेगा वो देख सकेंगे, जिस पर टिक रहेगा वो आपका स्टेटस नहीं देख पाएंगे। और थर्ड है ओनली शेयर विथ, इस पर आप क्लिक करते हैं, इस पर आपका जिस जिस पर टिक लगा रहेगा वो आपका स्टेटस देख सकते हैं, अदरवाइज कोई आपका स्टेटस नहीं देख सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकेंड ट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे मैं सेकेंड ट्रिक की बात करते हैं, तो जैसे आप आपके व्हाट्सएप पे बहुत कोई मैसेज, व्हाट्सएप वीडियो, इमेज बहुत कोई सेंड करता है, उसी में आप का आप कोई फैमिली मेंबर मैसेज सेंड करता है, तो आप उसको इमरजेंसी में नहीं देख पाते हैं, तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपका फैमिली मेंबर मैसेज किया है या कोई और मैसेज किया है या व्हाट्सएप किया है। तो आप जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई आपके हित या कोई फ्रेंड आपके व्हाट्सअप किए हैं, तो जानना चाहते हैं कि सिर्फ उसी का हमको नोटिफिकेशन मालूम चले कि ये मेरा जो व्हाट्सअप भेजा हुआ है वो मेरा ज़रूरी देखने वाला है, तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे इसमें आप जिसका भी आपको करना होगा उस पर उसके व्हाट्सअप पर क्लिक करना है। उसके बाद ये रेड वाले पट्टी पर क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम नोटिफिकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में लिखना है यहाँ पे यूज कस्टम नोटिफिकेशन पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन टोन, इसमें आप जो भी टोन यहाँ से लगा दीजिएगा वैसा टोन जब भी वो नोटिफिकेशन कोई भी व्हाट्सअप करेगा तो आपके आपके मोबाइल में वो टोन बजने लगेगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरा फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स आपको ये व्हाट्सअप किया है जो एकदम इमरजेंसी है। आप उसको देख सकते हैं, यहाँ से वाइब्रेट भी कर सकते हैं, लाइट वाइट या यहाँ से रिंग टोन वाइब्रेट बहुत कुछ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि आपका फैमिली मेम्बर में कोई इमरजेंसी वाला भेजा है, या अभी तो व्हाट्सएप पे बहुत कोई मैसेज भेजता है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ फैमिली मेम्बर वाले का ही आपको मालूम पड़े, तो ऐसे आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, तो व्हाट्सएप पे वैसे बहुत बहुत सारे इमेज या वीडियो आते रहते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा इमेज या वीडियो होते हैं जो हम गैलरी में शो नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइल्स पे क्लिक, फाइल्स ओपन करना है मोबाइल में, ठीक है फ्रेंड्स। फाइल्स ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को ओपन करना है यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से आपको व्हाट्सएप वीडियो हाइड करना है, गैलरी में शो नहीं करे, इसके लिए आपको व्हाट्सएप वीडियो को टिक करना होगा और इसको रीनेम करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने इसको क्या किया, रीनेम किया। यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो लिखा हुआ है शुरू में, फर्स्ट में विदाउट स्पेस दिए हुए यहाँ से डॉट लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से रीनेम पे क्लिक कर देना है। देखिए आपका इसमें से व्हाट्सअप वीडियो गायब हो गया होगा, अभी तो गायब हुआ नहीं है यहाँ से, इसलिए कि यहाँ से आपका शो हिडन फाइल्स ऑन है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे क्या लिखा हुआ है, शो हिडन फाइल्स ऑन है, यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे व्हाट्सअप वीडियो अब शो गैलरी में नहीं करेगा। उसी तरह आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप इमेज भी नहीं शो करे, तो इसलिए व्हाट्सअप इमेज भी टिक लगा देंगे, यहाँ से क्या करेंगे रीनेम कर देंगे, और यहाँ से इसके पहले डॉट लगाकर रीनेम पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपकी ये व्हाट्सअप इमेज भी यहाँ से गायब हो गया। अब फिर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा शो हो, तो वहाँ से फिर से डॉट थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से शो हिडन फाइल्स को ऑन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप यहाँ पे आ गया व्हाट्सअप वीडियो, व्हाट्सअप इमेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं और अपने जो भी वीडियो को आप गैलरी में छुपा सकते हैं, गैलरी में शो नहीं कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। इसी का सेकेंड उपाय यह है कि आप जैसे आप चाहते हैं किसी ग्रुप का वीडियो गैलरी में शो नहीं हो या उसका इमेज किसी गैलरी में शो नहीं हो, फोटो में सेव नहीं हो, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा
जिस ग्रुप का आप चाहते हैं उस ग्रुप का वीडियो और इमेज आपके गैलरी में शो नहीं हो उस ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। सपोज यहाँ से मैंने ले लिया शेयर मार्केट में, मैंने क्लिक किया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये ऊपर वाले जो ग्रीन पट्टी है उस पर क्लिक करना है। ये उसके बाद यहाँ से आपको करना है मीडिया विजिबिलिटी पे ऑन कर, ठीक है। उसके बाद लिखा है शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया फ्रॉम दिस चैट इन योर फोन्स गैलरी। यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट में से यह होता है कि आपके गैलरी में शो करेगा। यहाँ से अगर आप कर देते हैं यस तो यस शो करेगा, अगर आप चाहते हैं नो ये इस ग्रुप में का कोई भी इमेज या वीडियो आपके गैलरी में शो नहीं हो तो आप यहाँ से नो पे क्लिक करके यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपके इस व्हाट्सअप में जितने भी फोटो या वीडियो आएंगे आपके गैलरी में शो नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा आज का व्हाट्सअप ट्रिक का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।